एक तरफ दिल्ली का चुनाव सर पर है, राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो अपने चरण पर है, पर यहाँ पर सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके बैठे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये वो लोग हैं जो कम वेजेस को लेकर के हमारे सीवर्स में उतर जाते हैं, उसकी सफाई की जिम्मेदारी इनके सर पर है, पर एक के बाद एक सफाई कर्मचारियों की मौत हो रही है। इसी हफ्ते 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। एक कर्मचारी की मौत दिल्ली के करकरडूमा में हुई, जब वो नरेंद्र मोदी की रैली के पहले सफाई का जिम्मा उठाए वहाँ पर नाली साफ कर रहे थे। 700 कर्मचारियों से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं चुनाव के पहले, ताकि उनकी मांगे सुनी जाएं और इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज उनको नोटिस करें, और ना ही सिर्फ उनका काम का मुद्दा उठाया जाए, बल्कि जिस सम्मान से वो अपना जीवन व्यतीत करने की मांग उठा करके यहाँ बैठे हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी सुने। साउथ दिल्ली एमसीडी में हर 2 दिन में एक सफाई कर्मचारी रोड पे जो काम करता है 100 ग्राम मट्टी अपने फेफड़ों में ले जाता है, जिस कारण वो बीमार होकर हर 48 घंटे में एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो रही है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये खुद का एमसीडी का साउथ दिल्ली का आंकड़ा है, पर ये आंकड़े वो हैं जो सामने आए हुए हैं। ऐसी बहुत से सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतनी ज़्यादा उनको मतलब काम करते हुए बीमारियां लग जाती है, उनका ना तो कोई मेडिकल कराया जाता ना कोई मेडिकल कास्ट लिया जाता, और उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। हमारे 3 कर्मचारियों की डेथ हुई है, जिसमें अभी तक कंपनी का कोई भी अफसर हमें पूछने तक नहीं आया, और ना ही कोई नेता। तो हमारी मांग है, जो सरकार देती है 1 करोड़ रुपया मृत्यु होने पर, एक तो वो चाहिए, और हमारे कर्मचारियों की भाई सभी बैठे हैं यहाँ पे, इनको ना तो कोई सुविधा दे रखी है, ना तो कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है, एक ही वर्दी दे रखी है, इसी को पहनो। उनकी जो खत्म हो गए हमारे भाई, उनके लिए क्या कंपनी कर रही है हमारे लिए? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आका, हम इस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे 1 साल हो गया हमारे को काम करते करते, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई आई कार्ड वगैरह, ऐसे बेसिक सी चीज़ है ये। इनको सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया है, इस पर ही सवाल उठता है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में पक्की नौकरी दी जाती थी, आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसलिए दी जा रही है कि ठेकेदारी इसमें डाल के इनके जो हक हकूक हैं इनसे इनको वंचित रखा जाए। अब तीनों जो पार्टी हैं, कांग्रेस है उसने कहा है कि हम सफाई कर्मचारी को पक्का करेंगे, और बीजेपी है उसने कहा हम उनका एरियर देंगे, और जो आम आदमी पार्टी है उसने कहा है कि हम मृत्यु हो जाती है अगर इनकी सफाई करते हुए, जैसे इनके 3 इनकी मृत्यु हुई है अभी, क्या इनको 1 करोड़ रुपया मिला आप लोगों को? बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं और जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते, जैसे अब सफाई का काम मान लो, सीवर सफाई का इतना रिस्क का काम होता है, अगर कभी उसमें खोलते हैं तो गंदी गैस निकल के आ जाती है, जिसकी वजह से मौत भी हो जाती है। अभी हमारे 3 भाइयों की मौत भी हुई है इस तरीके से ऑन ड्यूटी पर काम करते हुए, लेकिन ये सब चीज़ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि हमें मजदूरी करनी है, काम करना है जिससे अपने बच्चों को पाल सकें, अपने इस देश का आगे भविष्य बना सकें, लेकिन बहुत सी एक बेसिक सी चीज़ें जो हमको परेशान करती हैं, जिसको लेके सारे सफाई कर्मचारी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे को हेल्परों को 14,000 रुपये, ड्राइवर को 16,962 रुपये, जो हमारी तनख्वाह है ना पूरी की पूरी, वो तनख्वाह नहीं देते। एक दिन की छुट्टी करी तो 2 दिन की छुट्टी के पैसे काटते थे हमारे, हर एक मिनट में मतलब धमकी देना इनों की सुपरवाइजर की, तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, तुम्हारी हाजिरी काट लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तनख्वाह ही नहीं आती हमारी, अभी तक तनख्वाह नहीं आई है, 12-12, 15-15 दिन तारीख को तनख्वाहें आती हैं, इतना बुरा हाल है। ये नहीं है कि हम काम करने से पीछे हट रहे हैं कि उसमें से गैस जहरीली गैस निकल रही है तो हम भाग जाएंगे काम छोड़ के, नहीं, वजह ये नहीं है, वजह यह है कि हम उसके काम करने के बावजूद भी हमें वो मजदूर लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं दी जाती जो एक एम्प्लॉय को देनी चाहिए। एक ग्राउंड पे जो बात होती है वो असलियत में लोगों को छुपाई जाती है, दिखाया कुछ और जाता है, मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा जाता है, उनके साथ होता कुछ और है। अभी सरकारें कह रही है कि हमारा हिंदुस्तान या हमारा भारत देश बहुत नंबर 1-2 पे जाएगा या 3 पे जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा जो भी ये सरकारें चलाती है तो मजदूर वर्ग ही चलाता है, ना कि कोई और चलाता है। वोटिंग जो करते हैं तो केवल मजदूर करते हैं, इसकी जो साफ सफाई करते हैं या इस हिंदुस्तान को या किसी दिल्ली सरकार को हम बताना चाहते हैं या केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि मजदूर के अलावा आपका कोई भी विकल्प नहीं है।
आज दिल्ली चुनाव के पहले यहाँ पर हम मौजूद हैं तिलक नगर के 80 घाट वाली बस्ती में। ये बस्ती में 8000 से ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि सफाई कर्मचारी हैं। ये पूरी बस्ती, ये छोटी गलियाँ, इनमें दिल्ली भर के जो लोग सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। पर सफाई कर्मचारी जो हमारे शहर को साफ रखते हैं, जो उसकी खातिर नालियों में उतरते हैं, कूड़ा उठाते हैं, मैला उठाते हैं, उन लोगों के क्या हालात हैं, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि छोटे से छोटी चीज़ यानी कि वेतन से लेकर के लिविंग कंडीशंस और सरकार को अपनी बात सुनवाने तक के लिए उन्हें किस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है और अपनी लाइफ को रिस्क पर डाल करके छोटे छोटे अमाउंट ऑफ मनी के लिए वो किस तरह से नाले में उतर रहे हैं, किस रिस्क के साथ उतर रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। जो अनिल कुमार जी एक्सपायर हुए हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड की जो केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियाँ चलाई है सीवर वाली, उसके अंदर ड्राइवर थे और इनकी इनकी तबीयत ख़राब हुई है। 31/1/2020 को इनकी तबीयत ख़राब हुई है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है वहाँ के सुपरवाइज़र, उनके सुपरवाइज़र ने, और हमें इन्फॉर्मेशन दी है 4:30 हमें इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ से फ़ोन आया सुपरवाइज़र का कि अनिल कुमार जी की तबीयत ख़राब हो गई है, हम पास के हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं संजय गांधी में, तो आप वहाँ पे आ जाइए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया गया कि कैसे तबीयत ख़राब हुई कैसे नहीं। फिर आगे आगे जैसे एक दो दिन बीतते गए, आगे पता चला हमें और कि इनकी तबीयत ख़राब हुई है, और जो हमें वहाँ के जो साथ में जो दो बंदे थे इनके स्टाफ के साथ में दो बंदे थे, ये गाड़ी पे टोटल 3 जने होते थे, एक ड्राइवर, 2 हेल्पर। तो उन हेल्परों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में सीवर लाइन का काम कर रहे थे, वहाँ पे ढक्कन खोला गया है तो अनिल कुमार जी हमारे साथ ही खड़े थे और वो हमारे साथ ही खड़े थे। उसी दौरान उनकी जैसे सीवर का ढक्कन खुला है, गैस वैस हुई है, उससे उनकी तबीयत सी खराब होनी स्टार्ट हुई है। हेल्परों को मास्क दिया जाता ड्राइवरों को नहीं, तो हेल्परों से जब ढक्कन नहीं खुलता था तो वो साथ लग के खुलवा लेते थे, तो ये ढक्कन खोल रहे थे तो इनके चेहरे पे ना गैस उड़ के आई, उसी टाइम इनकी तबीयत खराब हो गई। घर से ठीक ठाक सुबह ड्यूटी गए थे। हमें कोई भी सेफ्टी नहीं दी गई है या किसी चीज़ के बारे में भी नहीं। हम साइड पे काम करते हैं, ग्लव्स हैं हमारे, वो ग्लव्स बिल्कुल किसी काम के नहीं है, थर्ड क्वालिटी के हैं। मास्क है, मास्क भी ऐसी है, उसमें जो मास्क से इनके जो हादसा हुआ है उसमें मास्क की वजह से हादसा हुआ है कि गैस जो है मास्क से भी नहीं रुकी वो, और इनकी सांस वगैरह फूली तो इस वजह से उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। नाले के ऊपर हमारी चौपाल बनाई गई है, यहाँ हमारे बहन बेटियों की ब्याह शादी करते हैं, इतनी स्मेल आती है, शीशे भी टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब इतना हमारे को एक उतारनी पड़ती है कि हमारा समाज कितना नीचे स्तर पे है कि नाले के साथ में हमारे ब्याह शादी होते हैं, और हमारे घर देख लो वहाँ पे कोई वो नहीं है। ये नाला आगे कवर्ड है संत नगर में, इधर सुभाष नगर से कवर्ड है, यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं सिर्फ इसलिए, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कवर्ड कर दो इसको या ढक दिया जाए इसको या हटा दी जाए गंदगी, नहीं। एक तो बेचारे वैसे ही बहुत अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, 14,000 में कच्चे कर्मचारी लगे रहते हैं, 22 साल तक पक्के नहीं करते, कोई सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ वादे, सिर्फ कोरे वादे। हमारे जो भारत देश में मजदूर की कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही इनको समझा जाता है। हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं कि हमें कुछ मिले, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो हमारा आई कार्ड है, PF ASI है, वो चीज़ लागू करा जाए, और दूसरी बात क्या है कि सेफ्टी भी हमारी लागू करा जाए, हमारा मुआवजा करा जाए कि जिससे कि भाई कल को कोई परेशानी आए तो हमारे बच्चों को कोई परेशानी आगे भविष्य में ना हो।